गुड मॉर्निंग सुप्रभात, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MST एजुकेशन में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10 का जो तीसरा एक्सरसाइज है उसका दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। इससे पहले हम लोग क्लास 10 के दो एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं, वास्तविक संख्या और बहुपद। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उन्हें MST एजुकेशन YouTube पे सर्च करके देख लीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अब से जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आप जल्दी से अपने फ़ोन में MST एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का तीसरा चैप्टर जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो आइए आज देखते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को जानने से पहले जान लीजिए कि समीकरण होता क्या है। समीकरण यानी हमने बहुपद में पढ़ा, बहुपद वाले जो चैप्टर थे उसमें पढ़ा था बीजीय व्यंजक। यानी बीजीय व्यंजक क्या होता है, यानी व्यंजक क्या होते हैं, तो आपको बताया गया था कुछ निश्चित चर अचर राशियों के योग गुणा अंतर विभाजन इत्यादि से बने हुए पद को हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। इन बीजीय व्यंजक का तुलना हम जीरो से कर दें, बीजक व्यंजक का तुलना यदि हम जीरो से कर दें तो वह हमारा कहलाता है समीकरण, अर्थात समीकरण एक कथन है। समीकरण क्या है? एक कथन है। तो चलिए देखते हैं, समीकरण एक कथन है जिसमें दो बीजीय व्यंजक समान होते हैं। इसमें क्या होते हैं? दो बीजीय व्यंजक समान होते हैं, अर्थात जो दो बीजक व्यंजक के बीच में हमेशा बराबर का चिन्ह लगा होता है। अगर बराबर का चिन्ह नहीं लगा है तो वह आपका भी आपका समीकरण नहीं होगा, बल्कि वह आपका क्या होगा? एक। तो हमने देख लिया कि जो होते हैं समीकरण वह एक कथन होता है। आपको बता दिया गया कि इसमें हमेशा दो बीजक व्यंजकों के बीच बराबर का चिन्ह होता है। अगर बराबर का चिन्ह नहीं है तो वह आपका समीकरण नहीं हो सकता, वो क्या होगा? बल्कि एक बीजीय व्यंजक होगा। तो हमने देख लिया कि समीकरण एक कथन है जिसमें दो बीजीय व्यंजक समान होते हैं। जैसे देखिए यहाँ, यह आपका एक क्या है? समीकरण है 5x+15 = 0। देखिए यहाँ 0 भी एक आपका बीजीय व्यंजक ही है, तो यह आपका क्या हो गया? समीकरण हो गया। लेकिन साथ ही केवल 5x+15 लिखा जाए तो यह आपका समीकरण नहीं होगा। कारण आप जान गए हैं, क्योंकि इसका तुलना 0 से नहीं हो रहा है, इसलिए आपका सिर्फ क्या है? एक व्यंजन है। अब हमें पढ़ना है, पढ़ना नहीं है बल्कि जान लेते हैं, हमें तो पढ़ना है दो चर वाला, लेकिन हमने 9th में पढ़ा था एक चर वाला समीकरण किसे कहते हैं और उसको हल भी करना हम लोग सीखे थे। तो थोड़ा बहुत यहाँ भी जानेंगे कि एक चर वाले समीकरण क्या होते हैं और उसका हल कैसे किया जाता है। तो एक चर वाला क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम घात क्या हो? एक चर हो और उस चर का घात एक हो। ठीक, तो हमने देखेंगे आज एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला आप जान गए, या तो वह आपका केवल x के रूप में होगा या y के रूप में होगा तथा उसके साथ ही उसका घात क्या होगा? एक होगा, क्योंकि यहाँ कहा गया है रैखिक। रैखिक मतलब एक घात होता है। तो केवल एक चर वाले समीकरण अधिकतम घात में एक हो तो वह आपका होता है, उसको बोलते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे 6x+7 = 10+3x। या देखिए एक चर वाला इधर भी x है इधर भी x है और साथ ही देखिए x का जो घात है वो क्या है? एक है। तो ये हो गया एक चर वाला रैखिक समीकरण। उसको थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे किया जाता है। इसको हल करते समय कहीं कहीं वो कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, ये जानना जरूरी है। तो देखिए जो दिया है इसको हम यहाँ हल करते हैं। दिया है 6x+7 = 10+3x। इसमें हम क्या करते हैं कि जो चर वाले पद होते हैं उनको एक साइड करते हैं और जो आपके अचर पद होते हैं उनको एक साइड करते हैं। और इस तरह से आपको पता है जिसको पक्षांतर कहा जाता है। पक्षांतर में सारी क्रियाएं आपको पता होगी क्योंकि लोअर क्लास में सब चीज़ आप पढ़े हैं। तो यहाँ हम उस पर चर्चा न करके डायरेक्ट आपको बताते हैं कि उसको कैसे हल किया जाएगा। देखिए 6x और 3x ये दोनों समान है, समान राशियाँ हैं, तो उनको एक तरफ करेंगे तो पक्षांतर के नियम से क्या हो जाएगा, ये 3x+ में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -3x = 10 है। ये दोनों समान है, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इधर हम जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x, क्योंकि 3 6 में से 3 घटेगा 3 होगा और इधर 10 में से 7 घटेगा 3 और x का मान आ जाएगा 1। आपने देखा
कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। आपको पता चल गया, हमने बताया कि जब दो चर वाले रैखिक युग्म को हल करेंगे तो वहां ये आएगा। तो यहाँ 10 में से 3 घटा है तो 7 नहीं बल्कि 3 होगा, गलत हो गया था, यहाँ क्या होगा 3 होगा। इस तरह से हमने देखा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, तो ये होता है उसका पहचान हो गया और उसका हल करने का तरीका ये हो गया। तो हमने देख लिया कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। हमें पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले में क्या होता है कि उसमें दो चर रहेंगे, वो चाहे एक्स वाई रहे, चाहे एक्स जेड रहे, चाहे वाई जेड रहे, कोई भी रह सकता है, लेकिन दो चर रहेंगे। लेकिन उसमें भी उसका घात क्या होगा, एक होगा। दो चर वाले समीकरण में भी उसका घात क्या होगा, एक होगा, क्योंकि रैखिक समीकरण कह रहा है, भले दो चर कह रहा है तो चर पे मत जाइए, रैखिक कहे तो उसका घात वहां भी एक होगा। तो याद रखिएगा कि दो चर वाले, जैसे प्रायः हम एक्स वाई मानते हैं, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रायः निम्नलिखित रूपों में लिखा जा सकता है। वो रूप क्या होता है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जिसमें एक्स वाई को माना गया है चर और ए बी सी डी क्या है आपके अचर है। तो हमने जाना कि समीकरण क्या होता है, रैखिक एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है और दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। हमें जैसे हमने देखा कि एक चर वाला जो रैखिक समीकरण था उसको हल कर कैसे किया जाता है, लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना कई मेथड से हल किया जाता है, जिनको क्रमशः हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो सारे मेथड को पढ़ेंगे। थोड़ा बता देते हैं यहीं आपको कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को युग्म होते हैं, इसमें एक को नहीं हल किया जाएगा बल्कि दो रैखिक समीकरण दिया रहेगा, दो चर वाला दो रैखिक समीकरण आपको मिलेंगे, जिसको कहते हैं एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के चार विधियां होती हैं, चारों आपको क्रमशः पढ़ाया जाएगा। पहली विधि आपको होगी उसको ग्राफ के द्वारा हल किया जाएगा, ग्राफ पे प्रदर्शित करके हल किया जाएगा। दूसरा होगा विलोपन विधि, तीसरा होगा प्रतिस्थापन और चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रजगुणन। तो चारों विधियों पर हमें क्रमशः आगे की तरफ बढ़ना है, तो आप इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए ताकि क्रमशः हम आगे बढ़े तो आप इसको नोट करिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि दो चर वाले जो रैखिक युग्म होते हैं उनको कैसे हल किया जाता है, उसे किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे देखते हैं। तो हमारा पॉइंट है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल, यदि वह रैखिक युग्म होता है, यहाँ देखिएगा ऊपर हम मानते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो तथा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, यह आपका है दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। अगर इसको हल करने के लिए आ जाए तो हम कैसे हल करेंगे कि हम एक हम देखते हैं इसको क्लासिफिकेशन किया गया है कैसे हल किया जाएगा। तो रैखिक समीकरणों के युग्म का हल आपका दो प्रकार का होता है। रैखिक समीकरण जो युग्म होते हैं उसके हल करने के दो कंडीशन होते हैं। पहला होता है आलेखीय विधि। पहली विधि क्या होती है, आलेखीय, इसको ग्राफ के माध्यम से हल किया जाता है। ग्राफ आपने सीखा होगा नाइन्थ में, अगर नहीं सीखा होगा तो आगे की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आलेखीय विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरण को युग्म को कैसे हल किया जाता है। हमको पता है, आपको भी पता है, क्योंकि ये चैप्टर आपका नाइन्थ में भी था दो चर वाले रैखिक समीकरण, वहाँ ये अच्छी प्रकार से बताया गया होगा। अगर कुछ विद्यार्थी पूर्ण रूप से नहीं सीखे हैं तो इस वीडियो को देखें शुरू से अंत तक, हमें विश्वास है आपको जरूर समझ में आएगा। तो पहली क्या विधि हो गई, आलेखीय विधि। दूसरी विधि होती है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में क्या होता है कि यह तीन प्रकार के सवाल होते हैं बीजगणितीय विधि से, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को तीन तरीके से हल किया जाता है। पहले का नाम है प्रतिस्थापन, दूसरे का नाम है विलोपन और तीसरे का नाम है ब्रजगुणन। यानी दो चर वाले रैखिक युग्म को कुल मिलाकर के हमें हल करना है चार तरीकों से। एक हो गया आलेखीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि। लेकिन इन विधियों को कैसे हल किया जाता है उसको हल करने से पहले कुछ और जान लेते हैं, जहाँ से एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव 100% आपसे पूछा जाता है। तो देख लेते हैं कि दो आपके रैखिक युग्म समीकरण हैं, रेखाएं हैं, तो
यदि यहां लिख लेते हैं, यदि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो तथा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो जीरो है, तो ये जो दो रेखाएं हैं इनमें कुछ क्या होता है कि कुछ स्थितियां होती हैं उसको जान लेते हैं कि यह जो दो रेखाएं हैं वह किस प्रकार से क्या क्या हो सकती है। तो इसमें पहली कंडीशन ये आता है कि यदि इन दो रेखाओं में हम क्या काम करते हैं कि ए वन अपान ए टू, यदि यदि ए वन अपान ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपान बी टू, ध्यान दीजिएगा ये जो आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है उसमें हम पहला समीकरण में देखा कि ए वन अपान ए टू यानी ए वन में ए टू से भाग देंगे बी वन में बी टू से, अगर वो आपस में बराबर नहीं होते हैं तो हम कह सकते हैं यह जो दो रेखाएं हैं जो रैखिक युग्म दिया गया है यह दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को क्या करती हैं प्रतिच्छेदित करती हैं। प्रतिच्छेदित का कंडीशन यही होता है, याद रखिएगा यदि ए वन अपान ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपान बी टू, तो ये दो रेखाएं क्या करती हैं प्रतिच्छेदित होती हैं, प्रतिच्छेदक होते हैं। याद रखिए अगर कोई कहे कि यदि आपको दो रैखिक युग्म a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू जीरो तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू जीरो हो जीरो है, तो इसे क्या प्रतिबंध होता है कि दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं प्रतिच्छेदित करती हैं। तो याद रखिएगा उनमें यदि ए वन अपान ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपान बी टू, तो हम कह सकते हैं ये जो दो रेखाएं होंगी परस्पर एक दूसरे क्या होंगी प्रतिच्छेदक होंगी। दूसरी कंडीशन होती है इसकी, उसको देख लेते हैं, यदि ए वन अपान ए टू बराबर बी वन अपान बी टू बराबर सी वन अपान सी टू, यदि ए वन में ए टू से भाग दीजिए बी वन में बी टू से भाग दीजिए सी वन में सी टू, तीनों का ही अनुपात आपस में बराबर होता है तो कहते हैं कि ये दोनों रेखाएं परस्पर क्या हैं संपाती हैं। याद रखिएगा क्या है संपाती हैं, ये रेखाएं संपाती हैं, संपाती संपाती हैं चाहे संपाती होती हैं। संपाती कंडीशन क्या है कि दो रेखाओं में ए वन अपान ए टू बी वन अपान बी टू सी वन अपान सी टू का अनुपात अगर बराबर हो तो वह दोनों रेखाएं परस्पर क्या होती हैं संपाती होती है। तीसरी कंडीशन होती है यदि ए वन अपान ए टू इजकल टू बी वन अपान बी टू डज नॉट इजकल टू सी वन अपान सी टू, यदि ए वन अपान ए टू बी वन अपान बी टू का अनुपात बराबर हो लेकिन सी वन अपान सी टू के अनुपात बराबर न हो उससे बराबर न हो तो हम कहते हैं कि ये रेखाएं समानांतर हैं, समानांतर समानांतर हैं। तो हमने देखा आपसे इन तीनों से प्रश्न पूछ सकता है, दे करके कह सकता है, आपसे बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं दे देगा पूछ देगा क्या ये दोनों रेखाओं में से क्या हो सकता है संपाती समानांतर या प्रतिच्छेदक या इनमें से कोई नहीं, तो आप इन कंडीशनों का प्रयोग करके चेक कर लीजिएगा। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो कहोगे कि यह दोनों रेखाएं परस्पर क्या है प्रतिच्छेदक है, अगर दूसरी वाली कंडीशन अप्लाई होगी तो कहोगे कि संपाती है, तीसरी होगी तो आप कहोगे कि क्या है समानांतर है। अब देखिए यहीं से दो प्रश्न और बनते हैं संगत और असंगत, क्या बनते हैं संगत और असंगत, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें या एक दूसरे से मिले तो संगत होता है। याद रखिएगा जो समानांतर रेखाएं होती हैं वह किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तभी तो दोनों पैरेलल होती हैं, तो पैरेलल होती हैं तो उनमें कोई संगत नहीं होता है, कोई भी चीज कॉमन नहीं होता है, जब कोई भी चीज कॉमन ना हो तो वह आपका होता है असंगत। तो याद रखिएगा कि आपके ये जो होते हैं दो पॉइंट
यानी प्रतिच्छेदक और संपाती यह दोनों होता है संगत। क्या होता है? यह कहलाते हैं संगत समीकरण। यानी इस कंडीशन में ऐसे तो आपको दे रहे थे कि उनमें से प्रतिच्छेदक हो या संपाती हो तो वह आपका कहलाएगा। अगर संगत और संगत में पूछता है प्रश्न तो वो दोनों क्या होंगे? संगत समीकरण होंगे। क्या होंगे? संगत समीकरण होंगे, संगत समीकरण। यदि वह इस कंडीशन को अप्लाई करता है यानी समानांतर है तो वह असंगत होगा। वह क्या होगा? असंगत होगा। ठीक, तो हमने बताया पांच चीज यहां से 100% एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आप पेपर उठा करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इससे प्रश्न बनता है कि नहीं। बहुविकल्पी में प्रश्न यहां से आना ही आना है। पांच पॉइंट है, आपको एक अंक दे करके जाएगा। आपसे पूछ सकता है कि दो आपका दिया है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, तो बताइए कि क्या हुआ प्रतिच्छेदक है। तो प्रतिच्छेदक के लिए यह कंडीशन अप्लाई होती है, याद रखिएगा a1 अपान a2 तथा b1 अपान b2 का जो अनुपात होता है वो बराबर न हो तो हम कहेंगे प्रतिच्छेदक है। यदि a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 तीनों का ही अनुपात बराबर हो तो हम कहेंगे कि संपाती है, और a1 अपान a2, b1 अपान b2 का अनुपात तो बराबर हो लेकिन c1 अपान c2 के अनुपात का बराबर न हो तो हम कहेंगे कि वह समानांतर है। तो यहाँ प्रतिच्छेदक और संपाती को कहा जाता है संगत समीकरण। क्या कहा जाता है? संगत। और समानांतर को कहा जाता है असंगत। तो यहाँ से दम प्रश्न आपका पूछा जाएगा। तो पुनः मैं एक बार याद दिला दूं, यह जो हम लोग पढ़ रहे हैं यह एक्सरसाइज 3 है। यह है दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। इसके कंसेप्ट को हमने समझा, उसके बाद इसको हल करने का जो तरीका होता है उसको हमने समझा, उसमें रैखिक समीकरणों को हमने बताया, एक चर वाला रैखिक समीकरण का हल कैसे किया जाता है उसको बताया। अब दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनको दो प्रकार से हल करते हैं, या निरूपित भी दो प्रकार से किया जाता है, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित कथन को आलेखीय विधि या बीजगणित रूप में क्या करिए, निरूपित करिए। तो वह दो विधि होता है, अभी मिटा दिए हमने, लिखे थे आलेखीय विधि और होता है बीजगणितीय विधि। तो उसके बाद बीजगणितीय विधि को हल करने के तीन तरीके होते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि। यह जो तीनों विधि हैं, चारों विधि एक एक करके हम लोग क्रमशः अगले जो एक दो वीडियो बनेगी उनमें कवर किया जाएगा। तो आप अगर आगे इन विधि को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जहाँ से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इन चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सब्सक्राइब करेंगे आपको क्या होगा कि जो वो आपको पढ़ाया जाएगा वो चीज़, यानी प्रतिस्थापन, विलोपन या ब्रजगुणन, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएगा और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो आप सीखना चाहते हैं इन तीनों विधियों को, तो यहाँ से आपको प्रश्न दे करके जाएगा, 3 से 4 नंबर भी ये पूछे जाएंगे। यहाँ से हमने बताया आपको 1 नंबर। तो आज की जो वीडियो है हमने इसमें उसके सारे जो सिस्टम होते हैं, जो उसके कंसेप्ट होते हैं, क्या कैसे क्या हल किया जाता है उसको हमने सीखा है। अब उनको कैसे हल किया जाएगा उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें 4 विधि के द्वारा पूरे एक्सरसाइज को हल करना है। तो याद रखिएगा कि यहाँ से भी आपको प्रश्न बनेंगे, जब एक्सरसाइज स्टार्ट किया जाएगा तो आपको स्टार्ट में ही मिल जाएगा कुछ कथन दे करके, उसमें कह के बताइए कि कौन प्रतिस्थापन है, कौन संपाती है, कौन समानांतर है, कौन संगत है, कौन असंगत। तो आप इस वीडियो को एक बार दो बार देखिए, ये सारा चीज़ का क्लियर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो होंगी आपको समझने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।